तो दोस्तों आज मैं आई हूँ डॉक्टर रितु सांगवान के पास, जो कि मैं पहले गई थी और आपको बताया भी था और सब ने बहुत पूछा भी कि मैम कैसा रहा आपका हाइड्राफेशियल जो आपने करवाया, तो बहुत ही अच्छा रहा। तभी मैं सेकंड टाइम आई हूँ, नहीं तो मैं सेकंड टाइम नहीं आती। तो तभी सेकंड टाइम अभी सोचा कि लेजर ट्रीटमेंट करवाते हैं हेयर का। तो मैम बताइए आप मशीन के बारे में। हाँ जी, हेलो एवरीवन, ये मशीन है अपने पास अल्मा सुप्रेनो टाइटेनियम। अल्मा इसकी ब्रांड का नाम है, सुप्रेनो टाइटेनियम इसके मॉडल का नाम है। और ये हरियाणा में दो ही मशीन है, दोनों हमारे पास ही हैं अभी। और सबसे बेस्ट पार्ट है ये ओरिजिनल ऑथेंटिकेटेड मशीन है, कोई भी किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है। ऋतु जी करवा चुकी हैं, आप इनसे भी रिव्यूज लीजिएगा। और सबसे अच्छे रिजल्ट्स हैं, रीजन बीइंग ये ट्रिपल वेवलेंथ है, इसमें तीन वेवलेंथ्स हैं, आपके फाइन हेयर से लेके थिक हेयर ये सबको कवर करती है। और बॉडी के किसी भी पार्ट पर आप इसको करवा सकते हैं, बिल्कुल सेफ है, बहुत इफेक्टिव है और आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो कुछ लोग डरते हैं, कुछ मुझे भी डाउट था, पहले मैंने डाउट क्लियर किया मैम के साथ, क्योंकि मैंने भी यही सुना था कि भाई स्किन पे ठीक नहीं रहता, गलत होता है, स्किन डार्क हो जाती है, ब्लैकनेस आ जाती है, तो बहुत सी प्रॉब्लम मैंने सुनी थी। तो मैंने पहले क्लियर की है, उसके बाद ही मैं आपके साथ। और एक प्रॉब्लम आपको पता नहीं है तुझे, गांव में बहुत सारी लड़कियां हैं जो मुझे आके बताती हैं कि रिश्ते तक टूट जाते हैं लड़की। तो ऐसी तरह अगर प्रॉब्लम आती है ना भाई कि रिश्ते तक टूट जाते हैं, क्योंकि मैम के पास भी एक लड़की आई थी कुछ टाइम पहले, मैम ने बताया कि भाई उनके रिश्ते टूटने तक की बात आ गई थी। तो अगर ऐसी ज्यादा प्रॉब्लम है अगर आपके फेस पर, तो आप जरूर मैम से। और ऐसे केसेस में तो हम लोग ट्राई करेंगे, हम जितना डिस्काउंट भी आपको दे सकते हैं, डिस्काउंट आप या कभी मिल जाएगा, किसी को लगे कि किसी की पेइंग कैपेसिटी नहीं है तो इनफैक्ट वो लोग भी मुझे बता सकते हैं। अगर किसी की मजबूरी है ना, तो वो ब्याह मैम के साथ क्लियर कर सकते हैं, तो मैम डिस्काउंट कर देंगी। तो बहुत ही अच्छी है, तो एक बार आप जरूर आना, डरने की कोई जरूरत नहीं है। और स्ट्रेस बिल्कुल भी ना ले इस चीज का कि हेयर ज्यादा है अब क्या होगा, मतलब बहुत है ना, करियर पे चीजों पे ध्यान दें, बहुत कुछ है, सब कुछ यही नहीं है। तो आप इनसे ट्रीटमेंट करवा सकते हैं मैम से। ओके, थैंक यू सो मच। और डरना नहीं है आपको, बिल्कुल भी नहीं डरना, क्योंकि है ना पहले मुझे भी डर लग रहा था, मैंने क्लियर किए अपने डाउट उसके बाद ही करवाया है। और आपकी वीडियो भी दिखा देते हैं, वीडियो ठीक है, वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। थैंक यू। तो भैया अभी मैं ट्रीटमेंट करवा रही हूँ अल्ट्रासाउंड का, जो कि मैं अभी करने वाली है। तो आपके साथ अभी मैं ये रिव्यू शेयर करेंगे, साथ साथ कैसा लग रहा है। तो सबसे पहले हम लेजर करेंगे। तो ऋतु जी पहले मैं बताना चाहूंगी, कई लोगों के ना इसी के सबसे बड़ा डाउट ये है कि आपको लेजर करते हो बाल आ जाएंगे। तो देखिए कोई भी ऐसी स्टडी नहीं है, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा ऑनेस्टली बताऊँ ना आपको, बाल से ज्यादा लोगों के बाल उड़े हुए हैं सिर्फ। बिल्कुल, अगर लेजर से बाल बढ़ते तो वो लोग डेली लेजर करते हैं, उनके बाल हेयर ग्रो कर जाते हैं ना। तो इसलिए इससे बाल नहीं बढ़ते, आप इससे बिल्कुल ना घबराएं। और जब भी हम लेजर करते हैं तो प्री रिक्विजिट होती है अपने को सबसे पहले लेजर करना। तो अभी मैं इनका रेजर करने जा रही हूँ। ये हो गया आपका रेजर। उसके बाद ऋतु जी हम इसमें लगाते हैं जेल। जेल का मेन पर्पज के लोग बोलते हैं कूलिंग के लिए होता है, कूलिंग के लिए नहीं होता है, ये सिर्फ एक मीडिया है ताकि अच्छे से हमारा हेड पीस ग्लाइड बना है, ठीक है। उसके बाद हम इनको प्रोटेक्टिव आई ग्लासेस पहले से लगा रखे हैं, वैसे तो नुकसान नहीं करते अगर आप नहीं भी लगाएंगे। क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ डायरेक्ट आईज में कोई लाइट जाएगी वो थोड़ा सा शुरू कर रहे हैं लेजर। और आप प्लीज साथ साथ ऑनेस्ट रिव्यूज देंगे जैसा आपको लग रहा है। राइट, तो अभी कैसा लग रहा है आपको? कितना ठंडा है? ठंडा, हाँ ठंडा है, कोई पेन नहीं है। आइस प्लस कूलिंग टेक्नोलॉजी है, -5 डिग्री है। अब मैंने शुरू कर दिए, शायद इसमें आवाज भी सुन रही होगी। अब आप बताते रहिएगा, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, क्वाइट पॉसिबल आपको बीच में थोड़ा सा बेंचिंग हो तो आप बताते रहिएगा। पेन तो नहीं हो रहा है, बिल्कुल हल्का हल्का है, इसलिए है कि आपको पता चल रहा है कि हाँ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। कभी आप बहुत पेन नहीं हो रहा, बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था कि हाँ, लेकिन जो हम करवाते हैं वैक्स उससे तो ठीक है, बहुत ही ठीक है, क्योंकि उसमें तो सबको पता है कितना होता है, उससे नाराज नहीं होना बिल्कुल। तो अभी मैंने फर्स्ट टाइम एडवांस पे ट्राई किया है ताकि पता चल जाए और उसके बाद बॉडी के किसी में भी पड़े। हाँ बाद में, ऑलराइट ठीक है, बिल्कुल। अब ऋतु जी ये हेयर जो फॉल करेंगे ना,
पे आपने देखा होगा मैंने रिजल्ट किया है तो रूट्स तो अंदर ही है तो ये कम से कम 15 दिन का टाइम लगेगा। 15 दिन तक हो सकता है आपको लगे उसके बाद मुझे रिजल्ट गिर जाएगा। 15 दिन के बाद ही अपने आप निकल के गिर जाएंगे अंडर आर्म से, क्योंकि हम क्या करें कि रूट्स को डैमेज करें। और मैम कितनी बार करवाना पड़ता है, मतलब सिर्फ ये एवरेज ऋतु जी मैं आपको बताऊँ तो आप मानो मेरे को कम से कम 6 से 8 से दीजिए। अगर मैक्सिमम बोलूँ तो 12 तक चले जाते हैं। अंडर आर्म्स के थोड़े जल्दी चले जाते हैं टाइम को, क्योंकि हर बॉडी पार्ट अलग अलग यूज करता है। जैसे हम फेस पे कराते हैं तो थोड़ी ज़्यादा वजह करते हैं, बिकॉज फेस पे अगर आपको मैंने हॉर्मोन चेंजेस से आता जैसे आपको तो कोई बात है नहीं पूछिए, लेकिन जिनको आते हैं तो मतलब पीरियड्स में रेगुलर या थायराइड या कोई दवाई उसकी वजह से आते हैं। ऑलराइट गाइस, तो वी आर डन, अब आप बताओ कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा करवा के, और आप भी जरूर विजिट करना अगर आपको हेयर की प्रॉब्लम है। फेस पे भी करवा सकते हैं, मेरे फेस पे मुझे अभी नीड नहीं थी तो मैंने इसलिए ट्रांसफर पे करवा दिया है फर्स्ट टाइम, ताकि मुझे पता चल जाए, बाद में देखते हैं हैंड का और पैर का। लेकिन सच में जो डर था ना वो निकल गया, कोई पेन बिल्कुल नहीं हो रहा है। मैं जरूर बोलूंगी कि आप जब अपनी रील बनाइए ना नेक्स्ट अप्रॉक्स 1 महीने के बाद, जरूरी नहीं यहाँ के बनाइए, आप घर पे भी बनाइए, प्लीज हमें रिव्यूज दे और बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यूज। बिल्कुल बिल्कुल।